जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। कहाँ से आए हैं आप सब? हम लोग 6-7 लोग लंदन से आए हैं जी, गुजरात से आए, सब यात्रा के लिए निकले। पहली बार आए हैं आप? पहली बार आए हैं। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एकदम आनंद भंग। अच्छा लगा आपको जी? बागेश्वर बालाजी के दर्शन किए आप सभी ने? हाँ, दर्शन किए, बहुत अच्छा दर्शन हुआ जी। यहाँ पर आपको व्यवस्थाएं कैसी लगी यहाँ पर? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आपने देखा होगा अभी यहाँ मंदिर का निर्माण चल रहा है जी, जी, और माँ अन्नपूर्णा भंडारा भी यहाँ पर है जी, जी, जो असहाय निर्धन गरीब जिन्हें कैंसर है लकवा उन सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं यहाँ हो रही हैं धीरे धीरे। देखा, बहुत साफ सुथरा भी है जी। यहाँ धीरे धीरे और व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, और यहाँ पर एक पूज्य गुरुदेव भगवान का एक संकल्प है जो हर साल गरीब अनाथ असहाय कन्याओं के विवाह यहीं बागेश्वर धाम से ही निःशुल्क किए जाते हैं हर महाशिवरात्रि के दिन। इस साल 8 मार्च को 157 गरीब अनाथ असहाय कन्याओं के विवाह, ऐसी कई कन्याएं जिनके माता पिता भी नहीं थे, ऐसी कई कन्याएं थीं जो विकलांग थीं, ऐसी कई कन्याएं जो असहाय थीं घर से ही धंग तंगी के कारण, इन सभी कन्याओं के अलग अलग समाज से होती हैं, अलग अलग राज्य से होती हैं, इन सभी कन्याओं के विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न किए जाते हैं। इस साल भी पूज्य गुरुदेव भगवान का संकल्प है कि आने वाली महाशिवरात्रि को अब 157 नहीं बल्कि 251 कन्याओं के विवाह यहाँ बागेश्वर धाम से संपन्न कराए जाएंगे। तो आप सभी इस विवाह में संपन्न हो आए, आप सभी का स्वागत है। जो भी लंदन से आए हैं, गुजरात से आए हैं, सभी श्रद्धालु इस महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर पधारे, आप सभी की मंगल यात्रा हो। जो भी आप बागेश्वर बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लेकर के आए हैं, बागेश्वर बालाजी आप सभी की अर्जी स्वीकार करें। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम।